एक सवाल है अमर साहब का पुणे से, ये जानना चाहते हैं कि रीट और इन्विट ये लगातार क्यों गिर रहे हैं, और खास करके इनका निवेश है माइंडस्पेस रीट में और इंडिग्रेट इन्विट में। देखिए, रीट्स और इनविट्स को मैं इंडिविजुअली ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये अंदाजा था कि जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे वो रीट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे वो इनविट्स, बस इतना ही फर्क है। मेरा अंदाजा ऐसा था कि इनमें राइज बहुत ज्यादा आ चुका है, यहाँ से रीट्स इनविट्स में कंसॉलिडेशन कूल ऑफ सब होना चाहिए, बिकॉज राइज बहुत ज्यादा है और इसके बाद इनके रिटर्न नॉर्मलाइज होने चाहिए। तो अभी ट्रैजेक्टरी रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बहुत ज़्यादा है, काफ़ी आगे तक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर 5-7 साल वाले रीट्स, आप रीट्स लेते हैं, इन्विट्स लेते हैं, तो आपको 5-7 साल उससे ऊपर का भी होना चाहिए, 10 साल तक का भी होना चाहिए, फिर आपको इसमें नॉर्मलाइज रिटर्न मिल सकता है, मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन एबनॉर्मल रिटर्न का फेस रीट्स और इन्विट्स का चला गया, ऐसा मेरा अंदाजा। जी, तो फिर इन्हें करना क्या चाहिए? जैसे अभी ये माइंड स्पेस रीट को ही देखें तो ऊपर से तो ये नीचे आ गया 385 के आसपास से, अभी ये कहीं 300 के आसपास बेस बनाता हुआ दिख रहा है क्या, या अभी और नीचे जा सकता है? नहीं, अभी मुझे लगता है कि इसमें और भी चलना चाहिए, करेक्शन और होना चाहिए। जी, करेक्शन और होना चाहिए। मतलब क्या, जो पिछला बॉटम बना था 275 के आसपास, उसकी रीटेस्टिंग या आशंकाएं और भी हैं? नहीं, टाइम करेक्शन भी हो सकता है, प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। जो जैसा मेरा अंदाजा था कि जो मेन थीम है वो निकल चुका है, और ना इसका टाइम टाइम बेस्ड करेक्शन शुरू हो चुका है, तो प्राइस और टाइम दोनों चल रहा है। मेरा अंदाजा है कि थोड़े टाइम और ये चलेगा, और ये आप समझिए कि इसके लिए जब आप फिर से पॉजिटिव होने के लिए आपको इसके रूट कॉज पे जाना होगा, विच इज इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट, जब वो शुरू होगा फिर आपको इसमें रिन्यूड इंटरेस्ट दिखेगा, तब तक इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, मेरा अंदाजा है। तो चार्ट वार्ट देख के बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं लगेगा, मेरा अंदाजा ये है कि इसको आप टाइम दीजिए 6 महीने का, 6 महीने के बाद आप इंटरेस्ट रेट पे व्यू लीजिए और उसके बाद इस पे व्यू लीजिए तो फायदा होगा, इसलिए अभी इसमें टाइम कंसोलिडेशन चलना चाहिए, मेरा अंदाजा है। हो सकता है थोड़ा और प्राइस करेक्शन। जी, तो फिलहाल रीट के बारे में और इन्विट के बारे में जो नज़रिया है वो सोमेश ने बता दिया। चीज़ें बहुत अच्छी फिलहाल नहीं रहेंगी, कब स्थितियाँ बदलेंगी उसके बारे में भी एक संकेत है, तो उसके हिसाब से अब देखिए आपको क्या करना है।